आपकी बात आपके साथ आईटीडीसी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आईटीडीसी न्यूज, नो फियर नो फेवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुकेश अहलावत जाने कौन है आतिशी की कैबिनेट का इकलौता नया चेहरा। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। उनके साथ पांच मंत्री भी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। पांच में से चार गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन पुराने चेहरे हैं। कैबिनेट में नए चेहरे के रूप में सुल्तानपुर के विधायक मुकेश कुमार अहलावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मुकेश अहलावत के रूप में आपने कैबिनेट में एक दलित चेहरे को जगह दी गई है। हालांकि दलित चेहरे के रूप में विशेष रवि और कुलदीप कुमार का नाम भी रेस में था, लेकिन उनकी जगह पहली बार के विधायक मुकेश को तवज्जो दी गई है। मुकेश ने 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर सुल्तानपुर माजरा से पहली बार दिल्ली चुनाव लड़ा था। उन्होंने 48,042 वोटों से यह चुनाव जीत लिया था। आनंद ने इस साल अप्रैल में पार्टी छोड़ दी थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि आतिशी के मंत्रियों के पास पुराने विभागों की ही जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि आतिशी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दल का नया नेता चुने जाने के बाद उप राज्यपाल बीके सक्सेना से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उप राज्यपाल ने नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया था।